चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थन डैम के बारे में। अर्थन डैम हम लोग किसे कहते हैं? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थन डैम को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। मान लो, सपोज करो तुम यहां हो, यहां पे बहता हुआ नदी है। कौन है? यहां पे बहता हुआ नदी है। क्या है? बहता हुआ नदी है, ठीक है। और यहां पर वो है जिसके पास तुम जाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? जाना चाहते हो। सपोज करो यहां पर वो है जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। कैसे जाओगे? अगर हम लोग फिल्मी दुनिया की बात करें, जो कि एक काल्पनिक दुनिया है, वहां पर तो हीरो हीरोइन को कहता है, नदी क्या चीज है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, सात समुंदर भी पार कर जाता है। लेकिन जब रियल लाइफ की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, काल्पनिक दुनिया से जब हम हट के बात करते हैं, तुमको यहां से यहां जाना, कैसे जाओगे? मन में विचार आएगा, तैर के जाएंगे। लेकिन अगर तुमको तैरना नहीं आता है तो कैसे जाओगे? तो तुम बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में डैम का निर्माण कर देंगे। डैम का निर्माण करने से क्या होगा? देखो, जब तुम डैम का निर्माण कर दोगे ना, तो ये जो बहता हुआ पानी है ये रुक जाएगा और तुमको एक रोडवे दे देगा, जिससे तुम क्या करोगे, यहां से यहां चले जाओगे, उसके पास चले जाओगे जिससे तुम बे इंतहा मोहब्बत करते हो। आ रहा बात समझ में? मतलब ये डैम क्या कर रहा है? ये डैम जो है ना, फ्लोइंग वाटर को स्टॉप कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोइंग वाटर को स्टॉप कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, बह जाओ भावना में, जज्बात में डूब जाओ, तभी इरिगेशन को समझ पाओगे। डूब जाओ जज्बात में, बह जाओ भावना में। अगर हम डैम बना देंगे तो ये डैम क्या करेगा? इस फ्लोइंग वाटर को स्टॉप कर देगा। और यदि यह डैम बनाने में हम जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, वो हमें पृथ्वी से मिल रहा है, जैसे स्टोन, जैसे ग्रेवल्स, जैसे सैंड, जैसे क्ले, तो ऐसे ही डैम को हम लोग अर्थन डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थन डैम कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थन डैम इज बेसिकली इम्बैकमेंट्स। ये इम्बैकमेंट्स है। इम्बैकमेंट मतलब पत्थर का एक ऐसा दीवार जो बहते हुए पानी को रोक दे। किसको रोक दे? बहते हुए पानी को रोक दे, उसे ही हम लोग कहते हैं अर्थन डैम। आ रहा बात समझ में? उसे ही हम कहते हैं इम्बैकमेंट्स। एक ऐसा वाल जो बहते हुए पानी को रोक दे, उसे हम कहते हैं इम्बैकमेंट्स। और ये इम्बैकमेंट अगर हम लोग अर्थन मटेरियल से बनाए हैं, सैंड से, क्ले से, ग्रेवल से, स्टोन से, रॉक से, जो हमें पृथ्वी देता है, तो ऐसे डैम को हम लोग कहते हैं अर्थन डैम। क्या कहते हैं? अर्थन डैम।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ एंड डैम का कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आया है तो पहले बोर्ड पर जो लिखा है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसमें बहुत कुछ तुमको अभी हम समझाएंगे। अर्थ एंड डैम, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अर्थन मटेरियल्स। इनका कंस्ट्रक्शन हम करते हैं अर्थन मटेरियल्स के द्वारा, लाइक ग्रेवल, सैंड, स्टोन, क्ले, रॉक एक्सेट्रा। ऐसा मटेरियल जो हमको अर्थ से मिलता है, उस मटेरियल के द्वारा हम ये डैम बनाते हैं, ये एम्बैकमेंट बनाते हैं, ऐसा दीवाल बनाते हैं पत्थरों का जो बहते हुए पानी को रोक देता है। अर्थन डैम आर ऑल्सो नोन एज एम्बैकमेंट। अर्थन डैम को एम्बैकमेंट्स भी कहते हैं। द वर्ड एम्बैकमेंट, माई डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही गंभीर शब्द है ये एम्बैकमेंट। द वर्ड एम्बैकमेंट मीन्स द वॉल ऑफ स्टोन, पत्थर का ऐसा दीवार, विच इज बेसिकली बिल्ट फॉर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर, जिसका निर्माण हम लोग किए हैं बहते हुए पानी को रोकने के लिए। अब ये जो तुम्हारा अर्थन डैम है ना, इसका कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है जिसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए तुमको दो चीज समझना होगा। एक, इम्परविशियस मटेरियल और परविशियस मटेरियल। इम्परविशियस मटेरियल उनको कहते हैं, इम्परविशियस मटेरियल हम लोग उनको कहते हैं जो मटेरियल अपने थ्रू मिनिमम वाटर को अलाउ करे फ्लो करने के लिए, सीपेज करने के लिए, जिसमें सीपेज बहुत कम हो, यानी कि ऐसा मटेरियल जिनके थ्रू बहुत कम मात्रा में वाटर फ्लो करे, उसे इम्परविशियस मटेरियल कहते हैं या इम्परवियस मटेरियल कहते हैं। और ऐसा मटेरियल जो वाटर को अलाउ करे अपने थ्रू फ्लो होने के लिए, उसे हम लोग परवियस मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? परवियस मटेरियल कहते हैं। पहली बात, ये जो अर्थन डैम है इसका बाहरी हिस्सा जो है परवियस होना चाहिए कि इम्परवियस होना चाहिए? पहली बात, अगर ये इम्परवियस हो गया, मतलब कोई पानी इससे नहीं फ्लो करके इधर आएगा, कोई पानी इससे फ्लो करके इधर नहीं आएगा, अगर ये इम्परवियस हो गया तो जानते हो क्या होगा? जब बहता हुआ पानी इसके साथ टकराएगा ना, तो बहुत जबरदस्त स्प्लैशिंग करेगा, बहुत जबरदस्त फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बहते हुए पानी को, तो हो सकता है डैम का स्ट्रक्चर फेल कर जाए। लेकिन अगर ये परवियस हो गया तो जब बहता हुआ पानी इससे टकराएगा तो धीरे धीरे पानी रिसता हुआ चला जाएगा, स्प्लैशिंग नहीं होगा, फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर इन डैम नहीं होगा। आ रहा मेरा बात समझ में? लेकिन तुम बोलोगे कि सर, अगर पानी रिसते हुए आ गया तब तो पानी यहां चला जाएगा और हम चाहते कि पानी नहीं जाए, तो बीच में हम क्या करते हैं ना, बीच में हम क्या करते हैं, इम्परवियस मटेरियल डाल देते हैं। इम्परवियस मटेरियल क्या करेगा, ये जो धीमा धीमा पानी आ रहा है इसको रोक देगा, इसको रोक देगा, यहीं पर पानी क्या होगा, एक्युमुलेट होने लगेगा। अब पानी जब एक्युमुलेट होगा तो डैम को हानि भी तो पहुंचाएगा, तो उस एक्युमुलेटेड वाटर को यहां से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। आ रहा मेरा बात समझ में? तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि जो हमारा अर्थन डैम होता है उसमें जो आउटर डैम सरफेस है वो इम्परवियस मटेरियल होता है, सॉरी परवियस मटेरियल होता है, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मटेरियल फ्लो करता है। उसके बाद ये जो परवियस सिटी है वो कम होने लगती है, मतलब यहां पर जितना पानी आया अब यहां से उतना पानी नहीं जाएगा, कुछ पानी यहीं एक्युमुलेट हो जाएगा, यहां से उतना पानी नहीं जाएगा, कुछ पानी यहीं एक्युमुलेट हो जाएगा, यहां जितना पानी, यहां से जितना पानी फ्लो किया यहां से एकदम मिनिमम पानी फ्लो करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी का फ्लो जो है आगे बंद हो जाएगा। आ रहा मेरा बात समझ में?
कोई दिक्कत इसमें? मतलब अर्थन डैम जो हम बनाते हैं, इसका जो आउटर सरफेस है वो परवियस मटेरियल का होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इसकी परवियसिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो ये हम बेसिक आइडिया तुमको दे रहे हैं। अब धीरे धीरे इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ये जो ऊपर वाला सरफेस है बेटा, इसको हम लोग विड्थ ऑफ क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ क्रेस्ट बोलते हैं। दिस इज योर विड्थ ऑफ क्रेस्ट। आ रहा मेरा बात समझ में? अब ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जिसे हम लोग कहते हैं विड्थ ऑफ क्रेस्ट, ये ऑप्टिमम होना चाहिए। ये एक सर्टेन अमाउंट का विड्थ चौड़ाई आपको देना पड़ेगा। अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ चौड़ाई नहीं देते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो वाटर यहां से क्या होगा, टॉपिंग करेगा। मतलब वाटर यहां से ओवरफ्लो करते हुए डाउन स्ट्रीम से चला जाएगा। तो जब टॉपिंग ऑफ वाटर होता है ना, अगर ये विड्थ आपका सर्टेन नहीं है, एक प्रॉपर अमाउंट का विड्थ नहीं है, तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर क्या होगा, इसको ये डैमेज करेगा, क्रेस्ट को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो भाई प्रश्न उठता है कि ये विड्थ हम लोग कितना देंगे? तो इसके लिए कुछ इंपेरिकल रिलेशन है जो हमें बताता है कि डैम का जब हाइट एच होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये विड्थ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज है कंस्ट्रक्शन फीचर में टॉप विड्थ। टॉप विड्थ क्या होता है? तो टॉप विड्थ विच इज ऑल्सो नोन एज क्रेस्ट विड्थ, टॉप विड्थ जिसको हम लोग क्रेस्ट विड्थ के नाम से भी जानते हैं, मस्ट बी सफिशियंट टू विथस्टैंड द सिस्मिक फोर्स ड्यू टू सिस्मिक एक्शन ड्यूरिंग टॉपिंग ऑफ वाटर। हम बताए ना, नदी जब बहता है ना तो ये सिस्मिक वेव बनाता है। तो जब यहाँ पानी पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, पानी इसके टॉप सरफेस से डाउन स्ट्रीम होते हुए जाएगा। इस घटना को कहते हैं टॉपिंग ऑफ वाटर। तो जब बहता हुआ पानी जिसमें सिस्मिक वेव है, तो सिस्मिक वेव के एक्शन के वजह से क्या होगा, अगर ये विड्थ प्रॉपर नहीं, एक सर्टेन अमाउंट का नहीं है, तो इसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो इसको डैमेज नहीं करे, तुम्हारा जो क्रेस्ट है वो अपने शेप में रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक प्रॉपर विड्थ देना पड़ता है, ताकि जो सिस्मिक फोर्स जनरेट हो रहा, सिस्मिक वेव एक्शन ड्यूरिंग टॉपिंग प्रोसेस, उसको ये बर्दाश्त कर सके। एक चौड़ाई देना पड़ेगा हमको। ठीक है, इट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द डैम। और ये जो विड्थ होगा ये कितना होना चाहिए, तो ये डैम के हाइट पर निर्भर करता है। अगर डैम लोअर देन 30 मीटर, अगर हाइट ऑफ डैम 30 मीटर से नीचे है, तो जो टॉप विड्थ का फॉर्मूला है वो है डब्ल्यू बराबर 0.55 h की पावर 1/2 प्लस h बाई 5। लेकिन अगर डैम की हाइट 30 मीटर से ज्यादा है तो विड्थ हो जाता 1.65 h प्लस 1.5 की पावर 1/3। ये दोनों डाटा SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद माई डियर स्टूडेंट्स, आपका आता है सेंट्रल कोर पोर्शन। क्या आता है? सेंट्रल कोर पोर्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। यही पानी को यहाँ जाने से रोकता है। ठीक है, तो सेंट्रल कोर पोर्शन में याद रखना है, जो आपका सेंट्रल कोर पोर्शन होता है ये कैसा बना होना चाहिए, तो इम्परवियस मटेरियल का होना चाहिए, जो क्या करे, वाटर को अपने थ्रू फ्लो होने की इजाजत ना दे, या वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो, यहाँ से सीपेज करे। ठीक है, ये बना होता किसका, तो ये आप क्ले का बना सकते हैं, लेकिन क्ले के साथ आपको कुछ अमाउंट ऑफ महीन सैंड भी मिलाना पड़ेगा। अगर खाली क्ले रखिएगा तो इम्परवियस तो है, बहुत ज़बरदस्त इम्परवियस तो है, वाटर को बिल्कुल नहीं जाने देगा। लेकिन अगर केवल माटी लिए, केवल क्ले लिए, तो उसमें श्रिंकेज होता है, तो आपका कोर जो है ना श्रिंक करके छोटा हो जाएगा। और छोटा होने के बाद क्या दिक्कत आएगा आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जब फाइन सैंड मिलाते हैं तो ये श्रिंकेज ऑफ क्ले को रोकता है। लेकिन फाइन सैंड मिलाने से इसकी इम्परविसिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो मेन दिक्कत है श्रिंकेज ऑफ कोर, उससे ये फाइन सैंड क्या होता, बचाता है। सेंटर कोर ऑफ द डैम आर मेड अप ऑफ इम्परवियस मटेरियल, दोज मटेरियल विच अलाउज वेरी मिनिमम वाटर टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ। ऐसा मटेरियल जो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को इसके थ्रू फ्लो होने से बचाता है, फ्लो होने की इजाजत देता है ना, वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल को फ्लो होने की इजाजत देता है, ऐसे मटेरियल को हम इम्परवियस मटेरियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट सीपेज। अगर मटेरियल इम्परवियस है तो ये सीपेज जो होगा उसके अगेंस्ट ये बैरियर है, रुकावट है। इट इज मेड अप ऑफ क्ले, ये क्ले का बना होगा, क्ले एक इम्परवियस मटेरियल है, बिल्कुल भी सीपेज नहीं होता है क्ले में। तो अब बोलिएगा, तो सर फाइन सैंड मिला देंगे तो इसकी इम्परविसिटी तो कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन बहुत कम नहीं होती है, थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन फाइन सैंड अगर नहीं मिलाइएगा तो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्ले आपका माटी श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक कर जाएगा तो कोर का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, और साइज जब छोटा होगा तो क्या दिक्कत होगा, ये हम आपको भी बता देंगे। इट इज मेड अप ऑफ क्ले विथ फाइन सैंड,
फाइन सैंड रिस्ट्रिक्ट द श्रिंकेज ऑफ क्ले, फाइन सैंड इस क्ले को श्रिंक करने से रोकता, अपने कोर को अपने साइज में मेंटेन करके रखता है। समटाइम्स देयर इज चांस ऑफ सीपेज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब देखो कहानी क्या है, अगर ये श्रिंकेज हो जाता, मान लो कोर का हाइट घट जाता, इतना हो जाता, तो तुमको तो पता है कि पानी तो कुछ अमाउंट में यहां पर है, पानी तो कुछ अमाउंट में तो है यहां पर, बोलो है कि नहीं, वाटर तो कुछ अमाउंट में यहां पर है, फाइन सैंड भी है यहां पर, बोलो है कि नहीं है। हमको पता है ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो पानी जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना, पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो हो सकता है कि सीपेज की वजह से कैपिलरी एक्शन हो इसमें, और जब कैपिलरी एक्शन होगा तो क्या होगा बताओ, वाटर जो है इस पोर्शन में क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, और जब वाटर यहां पर एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये कोर को कहीं ना कहीं आगे चल के डैमेज कर देगा। तो इससे कैसे बचे? तो इससे बचने का तरीका ये है माय डियर स्टूडेंट्स, इससे बचने का तरीका ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो हम कोर का हाइट रखते हैं, कोर का जब हम हाइट रखते हैं वो मैक्सिमम वाटर का जो लेवल है इससे 1 मीटर कम से कम ऊपर होना चाहिए, ताकि हाई पोटेंशियल हो जाए ये लो पोटेंशियल हो जाए, और कभी भी कोई भी चीज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाता है। लेकिन अगर कोर का हाइट इतना रहेगा ना, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कैपिलरी एक्शन होगा और वाटर जो है क्या होगा, इस ऊपर वाले पोर्शन में जमा होने लगेगा, जो कि कोर को आगे चल के डैमेज कर देगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना माय डियर स्टूडेंट, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर का ये जो थिकनेस है, इसको विड्थ ऑफ कोर भी कहते हैं, ये कम से कम जो वाटर का लेवल है, वाटर का जो हाइट है, मैक्सिमम वाटर लेवल जो है यहाँ, इसका ये जो कोर थिकनेस है, इस हाइट का 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब डायमेंशनल चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। समटाइम्स देयर इज अ चांस ऑफ सीपेज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, टू प्रिवेंट दिस हाइट ऑफ कोर शुड बी मिनिमम 1 मीटर मोर देन मैक्सिमम वाटर लेवल, क्योंकि कभी कभी चांस होता है कि इसमें सीपेज हो जाए, तो वाटर का जो कोर का हाइट होता है ये मैक्सिमम वाटर लेवल के कम से कम 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम फाइन सैंड नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, ये श्रिंक करेगा, और हो सकता है कि जो कोर का जो हाइट है वो मैक्सिमम वाटर लेवल से नीचे आ जाए, और उसके बाद जब कैपिलरी एक्शन होगा तो उसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर जो है इस टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द कोर में जमा होने लगेगा, जो आगे चल के हमारे कोर को डैमेज कर देगा। ठीक है, द थिकनेस ऑफ कोर शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ मैक्सिमम वाटर लेवल, इस कोर की जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको विड्थ ऑफ कोर भी कहते हैं, ये यहाँ मैक्सिमम वाटर लेवल से 50% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखो आउटर सेल, आउटर सेल है ये तुम्हारा आउटर सेल, दिस इज आउटर सेल, ये क्या करता है हमारे कोर को क्या करता है, एक तरीके से जो सेज्मिक फ्लोइंग ऑफ वाटर है उससे हमारे कोर को बचाता है। ठीक है, क्योंकि जब पानी यहाँ आता है तो जितना का जितना एक्सेसिव सेस्मिक एक्शन की वजह से जो फोर्स था इसको ये बर्दाश्त करता, पत्थर, रॉक, रॉक मेसनरी। ठीक है, उसके बाद पानी का सीपेज होता है, धीरे धीरे पानी यहाँ आता है, कुछ अमाउंट में यहीं पर रह जाता है, कुछ अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट में तो यहीं पर ग्रुप्स में रह जाता है, कुछ अमाउंट में यहाँ रहता है, कुछ अमाउंट में यहाँ रहता है, और बहुत मिनिमम अमाउंट में यहाँ पहुँचता है, जिसको ये आसानी से क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, इट कवर्स अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप, ये तुम्हारा अपस्ट्रीम स्लोप है और ये तुम्हारा डाउनस्ट्रीम स्लोप है, तो इसी को ये कवर करता है तुम्हारा आउटर सेल, एंड इज मेड अप ऑफ परवियस मटेरियल, मटेरियल मटेरियल ये किससे बना, परवियस मटेरियल से, जैसे रॉक, ग्रेवल, स्टोन, इसको हम परवियस मटेरियल से बनाते हैं। अगर ये इम्परवियस रहता तो पानी को जाने ही नहीं देता, मतलब अगर सेज्मिक फोर्स यहाँ पर आएगा और ये पानी को कम्प्लीटली रोकेगा तो पानी गुस्सा होकर इसको तोड़ देगा। तो पानी जब उछलते कुत्ते आ रहा है सेज्मिक एक्शन के द्वारा, नदी का बहता हुआ पानी, तो ये क्या करे, इसको बोले देखो भाई रास्ता है छोटा है, तो धीरे धीरे घुसोगे तो आ सकते हो, तो बोलेगा ठीक है भाई धीरे धीरे घुसने दे रहा हूँ, जबरदस्ती तो नहीं ना कर रहा है, तो इसको तोड़ेगा नहीं। आ रहा बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स थे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अर्थन डैम के बारे में काफ़ी डिटेल में हम आपको बताएं, अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, जैसे सरचार्ज हेड किसे कहते हैं हम लोग, नॉर्मल फ्री बोर्ड किसे कहते हैं हम लोग, मैक्सिमम फ्री बोर्ड किसे कहते हैं हम लोग, बर्न्स हम लोग बर्न्स किसे कहते हैं, ना इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास है बर्न्स। बर्न्स क्या होता है इसको हम लोग पहले समझेंगे। देखो बर्न्स जो हम लोग बनाते हैं, ये जो तुम खांचा देख रहे हो ना यहाँ पर, खांचा डाउन स्ट्रीम साइड में, इसी खांचा को हम लोग बोलते हैं बर्न्स।
क्यों बनाते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब वाटर लेवल अपस्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब क्रेस्ट के भी ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा, टॉपिंग ऑफ वाटर होगा, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम क्या होगा, पानी फ्लो करने लगेगा। तो जब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पानी फ्लो करता है तो हो सकता है स्लोप को डैमेज कर दे, लेकिन जब हम बर्न्स देते हैं ना तो पानी क्या होता है, पानी का फ्लो ब्रेक करता है, मतलब जिस रफ्तार से पानी गिरेगा उस रफ्तार से नहीं गिरेगा, ये बर्न्स क्या करेगा, पानी के फ्लो को ब्रेक करता है, ठीक है। दूसरी बात, जब फ्लडिंग का समय ख़त्म हो जाता है तो चूंकि सीज़मिक अप स्ट्रीम का पानी क्रेस्ट होते हुए तुम्हारा इस स्लोप से होते हुए डाउन स्ट्रीम में गया था, तो जब पानी काफ़ी गति से जब जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर इन सबको डैमेज करे। तो जब हम यहाँ पर बर्म्स बना लेते हैं तो ऑफ सीजन में क्या करते हैं कि हम इस बर्म्स पे खड़े होकर देख लेंगे कहाँ पर दिक्कत हुआ, सीढ़ी वगैरह लगा के वहाँ पर अपने डाउन स्ट्रीम को मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो ये दो काम है हमारा बर्म्स का, ठीक है। तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ जनरली मेड इन डाउन स्ट्रीम साइड, ये डाउन स्ट्रीम साइड में ही हम बनाते हैं। ऑफ द अर्थन डैम इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ऑब्जर्व द स्लोप प्रोटेक्शन, हम देखना कि स्लोप में प्रोटेक्शन है कि नहीं, स्लोप हमारा सही है कि नहीं। फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्लोप, स्लोप को मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये हमसे छूट गया था, लिखना इसको, तुम लोग लिख लेना, इट प्रोटेक्ट द स्लोप फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग टॉपिंग बाय ब्रेकिंग द फ्लो, फ्लो को तोड़ के, ब्रेकिंग द फ्लो, नहीं तो क्या होगा, फ्लो अगर ये एकदम स्लोप रहता तो बिल्कुल फ्लो कंटिन्यूस रहता तो हो सकता है कि काफ़ी स्पीड से रहता तो डैमेज कर देता है यहाँ भी जो भी रॉक्स वगैरह है, लेकिन जब ऐसे आता है फिर पानी ऐसे आता है तो पानी का डायरेक्शन चेंज होता है जिससे फ्लो टूटता है, ठीक है। फ्लो जब टूटता है तो पानी जो है जिस रफ्तार से आता उस रफ्तार से नहीं आता, जिस इंटेंसिटी से आता उस इंटेंसिटी से नहीं आता, मतलब हमारे स्लोप को ये बचाता भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। इसके बाद फ्री बोर्ड, देखो फ्री बोर्ड क्या होता है हम बताएं तुमको, ये वाटर लेवल है तुम्हारा, ठीक है, ये वाटर लेवल है तुम्हारा और ये क्रेस्ट सरफेस है तुम्हारा, तो क्रेस्ट सरफेस से वाटर लेवल के बीच का दूरी फ्री बोर्ड कहलाता है। अगर नॉर्मल डे की बात करें तो ये नॉर्मल वाटर लेवल है, तो नॉर्मल वाटर लेवल से क्रेस्ट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको नॉर्मल फ्री बोर्ड कहते हैं। लेकिन जब फ्लडिंग के सीज़न की बात करते हैं तो ये वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो उस समय ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम वाटर लेवल, ये नॉर्मल था तो ये मैक्सिमम वाटर लेवल है, तो मैक्सिमम वाटर लेवल से क्रेस्ट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये बताओ ये फ्री बोर्ड यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है ना, तो इसको मिनिमम फ्री बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमम फ्री बोर्ड। और याद रखना जो डिफरेंस है ना नॉर्मल फ्री बोर्ड और मिनिमम फ्री बोर्ड का, इसी को हम लोग कहते हैं सरचार्ज हेड। क्या कहते हैं? सरचार्ज हेड। तो याद रखना, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वाटर लेवल इन द अपस्ट्रीम साइड एंड क्रेस्ट ऑफ द डैम। वाटर लेवल जो अपस्ट्रीम साइड में और जो क्रेस्ट ऑफ द डैम है इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस फ्री बोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री बोर्ड कहलाता है बेटा, याद रखना। इट्स मेन फंक्शन। अच्छा, ये अगर तुम ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं दोगे तो क्या होगा? डैम छोटा हो जाएगा, और जब डैम छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? अपस्ट्रीम का पानी क्रेस्ट से होते हुए डाउन स्ट्रीम साइड में जाएगा, टॉपिंग ऑफ वाटर होगा। टॉपिंग ऑफ वाटर से हम बता चुके हैं क्रेस्ट भी डैमेज होता है और स्लोप भी डैमेज होता है, डाउनवर्ड साइड भी, डाउनवर्ड स्ट्रीम साइड भी का स्लोप भी डैमेज होता है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट ओवर टॉपिंग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। जब ये हम हाइट दे देते हैं तो लेवल ऑफ वाटर तो यही है, तो अब ये अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम टॉपिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, मतलब टॉपिंग ऑफ वाटर से हमको ये हाइट बचाता है, फ्री बोर्ड बचाता है। तो फ्री बोर्ड का मेन काम याद रखना है, क्या प्रिवेंट करता? ओवर टॉपिंग ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई के एग्जाम में पूछा जाता भी है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि फ्री बोर्ड का काम क्या है, तो ओवर टॉपिंग से बचाना, ठीक है। इफ द वर्टिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम, इफ द वर्टिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल पूल लेवल ऑफ द डैम, नॉर्मल वाटर लेवल से अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस हम मापते हैं देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्री बोर्ड, तब इसे हम नॉर्मल फ्री बोर्ड कहते हैं। बट इफ वर्टिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम मैक्सिमम वाटर लेवल, लेकिन अगर मैक्सिमम वाटर लेवल से हम इसे मापते हैं क्रेस्ट ऑफ द डैम को, तो हम लोग क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं इसको, बताइए, हम लोग इसको कहते हैं मिनिमम फ्री बोर्ड, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। और नॉर्मल फ्री बोर्ड माइनस मिनिमम फ्री बोर्ड को हम लोग सरचार्ज हेड कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डैम और कैनाल, ये दोनों चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए काफ़ी डीप में तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं,
तुम्हारे सेमेस्टर के सिलेबस से हमको बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब कट ऑफ ट्रेंच क्या होता है, देखो कट ऑफ ट्रेंच को समझना पड़ेगा। ये कोर है, तुम लोग प्रीवियस फिगर में जाओ, यहाँ जो सुंदर सा फिगर हम बनाए थे, तो कोर के नीचे देखो कट ऑफ ट्रेंच हम बनाए। एक्चुअली करता क्या है ना, ये कट ऑफ ट्रेंच जो भी वाटर का सीपेज हो रहा है, जो भी वाटर का सीपेज हो रहा है उसको ये कट ऑफ ट्रेंच रोकता है। नहीं तो क्या होगा, सीप करते करते इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो इधर अगर सीपेज करते हुए चला गया ना तो दिक्कत क्या होगा, मेरे कोर को डैमेज करेगा। तो कट ऑफ ट्रेंच क्या करता है, जो सीपेज हो रहा है फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज हो रहा है उसको रोकता है। तो कट ऑफ ट्रेंच का मेन काम क्या, इट प्रिवेंट्स द सीपेज, इट प्रिवेंट्स द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू फाउंडेशन। देखो कोर के नीचे फाउंडेशन है पूरा का पूरा, तो फाउंडेशन में जो सीपेज हो रहा है ना उसको रोकने का काम कौन करता है, कट ऑफ ट्रेंच करता है। इसका मतलब ये परवियस होना चाहिए कि इम्परवियस होना चाहिए, निश्चित तौर पर ये इम्परवियस होना चाहिए। कट ऑफ ट्रेंच मस्ट बी इम्परवियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इम्परवियस। इसलिए ये भी उसी मटेरियल का बनता है जिसका हमारा कोर बनता है, ठीक है। ये हमेशा कोर के नीचे होता है क्योंकि इसका काम कोर को बचाना है, ठीक है। कोर के आगे या पीछे लगाने से कोई मतलब नहीं, इसको हमेशा कोर के नीचे रखा जाता है। इट इज एट द बॉटम ऑफ द कोर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, विड्थ ऑफ कट ऑफ ट्रेंच कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 4 मीटर होता है, लेकिन इसका एक फार्मूला है, W इज इक्वल टू एच माइनस डी। एच क्या है, यहाँ पर वाटर लेवल है, वाटर लेवल है, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ ट्रेंच है। ये तुम्हारा डेप्थ ऑफ ट्रेंच अगर डी है, वाटर लेवल अगर एच है, तो W जो होना चाहिए ये होना चाहिए एच माइनस डी के बराबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने अर्थन डैम के बारे में बता दिया, काफ़ी डिटेल बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, जज्बात आप लोगों का खुल गया होगा, आग लग गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैट में जरूर कहना कि सर मज़ा आ रहा है डैम में, जरूर कहना, क्योंकि तुम लोग वीडियो के लिए बहुत हल्ला किया, हमको बहुत बात सुनाया हो, और हम मन से वीडियो बना रहे हो और चाहते हो कि वीडियो आगे भी मन से बने, तो मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाओ, कहो कि इस डैम में मज़ा आ गया है, ताकि हमको और खुशी हो और ज़बरदस्त तरीके से तुमको आगे पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं जितना हमको आता है, हर एक चीज़ तुमको बताएं, ताकि कभी भी कहीं भी बैठो, किसी के सामने भी बैठो, तो दूसरे बच्चे को पता होना चाहिए कि इरिगेशन विश्वजीत सर से नहीं पढ़ा तो उसके जीवन का सबसे बड़ा गलती हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट।